हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। इस सर्दी के टाइम में आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जोरों शोरों से। जैसा कि आप सब जानते हो, फिलहाल अभी पटना एम्स तो पोस्टपोन हो चुका है, तो पीजीआई जो है रोहतक पीजीआई का एग्ज़ाम जो है पूरे पूरे चांसेस है कंडक्ट होने के। तो आप सब अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे, लेकिन डाउट जो है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर पीजीआई रोहतक की तैयारी हम किस टाइप से करें, बिकॉज यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपकी बार कंपटीशन आपको काफ़ी हाई देखने को मिल सकता है यहाँ पे। पिछली बार तो था 67 जो है लास्ट जनरल की कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब की बार देखते हैं भाई कितना कट ऑफ आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तैयारी जो है हम किस तरीके से करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी बेनिफिट इस वीडियो से मिल सकता है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है किस तरीके से पढ़ें। सबसे पहले बात करना चाहूँ मैं आपसे हरियाणा जीके की, क्योंकि 25 मार्क्स तो हरियाणा जीके से सीधा सीधा आते हैं। तो एक बुक आती है, वैसे तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, लाइक अरिहंत बुक आती है, ठीक है, छोटी सी बुक होती है, पतली सी बुक होती है, 8-10 दिन के अंदर कवर हो जाती है। नहीं तो आप अब की बार जिस तरीके से लग रहा है थोड़ा पैटर्न हाई देखने को मिल सकता है, तो ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक आती है, ये है प्रदीप सर की, आप सब जानते ही हो इनको। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, सर्च करना, गूगल सर्च आपको ऑनलाइन मिल सकती है। वैसे ऑफलाइन भी आजकल ये बुक काफ़ी मार्केट में बिक रही है। दूसरी बात बताना चाहूँ मैं आपको आपकी नर्सिंग से, तो 45 मार्क्स जो है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो भी नहीं पता हमें। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनकलेक्स मोसबी बेस पैटर्न बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको उनका आंसर आता है ठीक होगा, नहीं आता तो वो गलत होगा, तो उसमें गेस करने के कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो तभी होगा जब आपका बेस थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। यदि आपने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप जो है एक बुक रेफ़र कर सकते हो, प्रीति अग्रवाल, इस टाइप से बुक आती है, ठीक है। प्रीति अग्रवाल की बुक आती है, इस टाइप से आप वो रेफ़र कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, मतलब इतना छोटी भी नहीं है बुक, अच्छे लेवल की बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, पूरा बुक को पढ़ो। तो ये दो बुक आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देंगी, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है आपको इन बुकों से। अब मैं बात करूँ, 70 मार्क्स तो यहाँ से सीधा सीधा बन रहे हैं आपके, 45+25। अब बात करते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये कहाँ से करें। अब हम कंप्यूटर, आप लोगों ने देखा होगा सिंपल जो है फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर, CPU, HTTP, है ना, इस टाइप की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्ज़ाम में। तो जितने भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं सारी देख लेना। टारगेट हाई बुक यदि किसी के पास हो तो उसके पीछे कुछ क्वेश्चन है, 250 समथिंग क्वेश्चन है, 250-300 के अराउंड क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप वो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। नहीं तो कोई PDF हो किसी के पास, ठीक है, या फिर बुक हो, लूसेंट की बुक आती है वो पढ़ लेना, ठीक है। मतलब सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे। अब हिंदी की बात करूँ, हिंदी में क्या पूछता है, समास पूछता है, अलंकार पूछता है, क्रिया पूछता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल हिंदी पूछता है, ऐसा कुछ नहीं पूछता। तो अलंकार और आपको जो समास, क्रिया, ठीक है, और कुछ दो शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, वो भी एक बार देख लेना। वैसे हिंदी जो है 4-5 घंटे में पूरी हो जाती है, कवर हो जाती है यदि करना चाहे तो। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कंजेक्शन, आर्टिकल, वर्ब्स, इस टाइप से पूछता है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश आती है, वैसे हार्ड इंग्लिश नहीं आती है। बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग की बात करती हूँ मैं आपसे, डिकोडिंग, कोडिंग, बिल्कुल सिंपल, सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, और आपके जो है एज वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो एज वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज वाले पूछ सकता है आपसे, और जो है रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में वो पूछ सकता है। तो मतलब बिल्कुल सिंपल आता है एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं आता। बस हम नर्सिंग वाले जो होते हैं भाई, वो नॉन फील्ड को लेके थोड़ा सा काफ़ी नर्वस होते हैं ना, नॉन फील्ड सब्जेक्ट को क्या पता होगा नहीं होगा, बट एक फियर हम पहले से ही बना लेते हैं अपने अंदर, पता नहीं होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो सकता है, आप लोगों ने मेहनत की तो एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली क्रैक होगा। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो किसी और के साथ भी, दूसरों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।